नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं सर्किल पर आपके लिए दो क्वेश्चन, साथ में कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाएंगे। बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और ये क्वेश्चन है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चनों की जरूर प्रैक्टिस करें। आप देख सकते हो कि इस फिगर में ये ए ओ बी जो है वो डायमीटर है, यहाँ पर क्या गिवन है कि ए बी लाइन जो है वो डी सी के पैरेलल है, राइट। ये लाइन जो है इसके आपको पैरेलल दे रखी है, तब वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये एंगल एक्स कितना हुआ। ये मैंने वन और टू तो मान लिए हैं, ये एंगल एक्स कितना होगा आपके बताना है, और यहां पर आपको ये जो एंगल है वो 30 डिग्री के बना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, आप खुद सॉल्व करिए एक बार, इस वीडियो को आप रोक लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब सॉल्व नहीं कर पाए तब सॉल्यूशन देखिए तो अच्छा रहेगा, है ना। चलिए सर, ट्राई कर लिया आपने, ट्राई कर लिया होगा मैं समझता हूँ, और देख लिया होगा क्या आंसर है। अब जरा देखते हैं कैसे आंसर आएगा और कैसे आंसर बन सकता है इसका। देखिए इसमें क्या थ्योरम एप्लीकेबल होगी, पहले तो ये समझ लें। पहले नंबर वन ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी कि दो लाइन पैरेलल हैं, राइट, तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिन्हें हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, राइट। दूसरी थ्योरम स्टूडेंट से ये एप्लीकेबल होगी कि यदि आपके पास ये सर्किल है, राइट, ये सर्किल है और ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर सेमी सर्किल में कहीं पर भी एंगल क्रिएट करता है इस तरह से, तो ये जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो एंगल यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो भी 90 डिग्री रहेगा। दूसरी थ्योरम ये एप्लीकेबल होगी। थर्ड थ्योरम आपके स्टूडेंट्स ये एप्लीकेबल होगी कि ये सर्किल है और इसमें कोई क्वाड्रेटर बनाया जाए, ये क्वाड्रेटर क्रिएट किया जाए, ठीक है ना, इस तरह से, राइट। तो क्वाड्रेटर में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम हमेशा 180 होता है, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होता है 180। साइक्लिक क्वाड्रेटर, इन्हें क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर जो सर्कल के अंदर है, दैट इज द साइक्लिक क्वाड्रेटर, और साइक्लिक क्वाड्रेटर में ये जो एंगल है इनका सम हमेशा कितना होता है 180 होता है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में तीन थ्योरम एप्लीकेबल होंगी, राइट। चलिए सर उनको लिख लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, आप कह सकते हो कि एंगल वन, मैंने मान लिया है कि एंगल वन ये है और एंगल टू है, इस तरह से लिखना ज्यादा अच्छा रहता है। आप डी सी ए लिखें, उससे बेटर है कि आप लिख लें कि एंगल वन एंगल टू, इस तरह से लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंगल वन जो है वो 30 डिग्री होगा, रीजन आप लिख सकते हो, आप यहाँ पर रीजन लिख रखे हो कि ए बी जो है वो पैरेलल टू क्या है, डी सी है। जब ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी तो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए वन है 30 के बराबर होगा। दूसरी बात, एंगल टू जो है वो 90 डिग्री होगा, आप रीजन लिख सकते हो कि ए ओ बी इज अ डायमीटर, ये आपके पास डायमीटर है और डायमीटर जो है सेमी सर्कल में जो एंगल क्रिएट करता है, ये डायमीटर सेमी सर्कल में ये एंगल बना रहा है टू, तो ये कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। अब आप देख लीजिए दो बातें आपको पता है, इसके बाद आप लिख लीजिए कि एंगल वन और एंगल टू प्लस एंगल 30 डिग्री और प्लस एंगल एक्स, इन सबका सम जो है वो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। आप रीजन लिख सकते हो कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है और साइक्लिक क्वाड्रेटर में जो सम होता है इनका सम, ये साइक्लिक है, रखना ये एक सर्कल बन रहा है, तो इनका अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। आप यहां पर कह सकते हो कि ये आपको पता है, ये कितना पता है 30 डिग्री, ये आपको 90 डिग्री पता है और ये 30 डिग्री पता है, प्लस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 180। स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो 150 प्लस एक्स जो है 180 आएगा, तो एक्स जो है आपके पास 30 डिग्री आएगा, आपके पास एक्स जो है वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। आप समझ गए होंगे आंसर क्या है। स्टूडेंट आपसे यही पूछा जा सकता है, बताइए ये एंगल क्या है, ठीक है, और हो सकता है आपसे यही पूछ सकता है ये एंगल क्या है। आप इस एंगल को तो निकाल सकते हो ना, क्या हुआ ये दोनों एंगल कितने हैं 30 डिग्री है, तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो कितना हो जाएगा 120, ये 120 हो तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर है ना। इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें और इस तरह के क्वेश्चनों को अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करने की जरूर कोशिश किया करें, उन्हें बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, राइट। एक स्टूडेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, मार्च में जब आप 10th क्लास में आएंगे तो मैं आपके लिए कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स, उस कंप्लीट कोर्स का वीडियो फॉर्मेट है, पूरा पूरा सॉल्यूशन वीडियो में है, एक एक क्वेश्चन सारे सब कुछ जो कुछ है वो वीडियो फॉर्मेट में है। उस कोर्स में अवेलेबल होगा एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन नंबर वन, नंबर टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा सॉल्यूशन विद एग्जाम्पल विद कंसेप्ट
सब कुछ होगा। पिछले 10 साल के क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज 10 साल 10 ईयर्स में जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं बोर्ड में आए हुए हैं वो सारे इंक्लूड होंगे और अवेलेबल होगा उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो होंगे जो आपके बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बेकार के नहीं, जो आपके रियली बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो। ये पूरा पैकेज मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। यदि स्टूडेंट आप इस पैकेज को देखते हो और इस पैकेज के साथ पढ़ते हो तो विश्वास करिए आप 100% मार्क्स ला सकते हो। 100% का मतलब टोटल 100%, आप जो मैं आपको करा रहा हूँ यदि आप उतना कर लेते हो, ठीक है, अच्छी तरह कर लेते हो तो विश्वास करिए आप 100% मार्क्स ला सकते हो। उसमें चैप्टर वन को मैं टोटली फ्री दे रहा हूँ और वो अवेलेबल होगा मेरी वेबसाइट पर, वेबसाइट है मेरी www.rbclasses.in पर, या आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आरबी क्लासेस ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से इन दोनों पर ये चीज़ अवेलेबल होगी। इसमें चैप्टर वन को मैं टोटली फ्री दूंगा, आप देखने की जरूर कोशिश करें और देखें वो चीज़ आपको पसंद है या नहीं पसंद है। यदि आपको पसंद आती है तो बाकी आप उसके दूसरे चैप्टर्स को खरीद सकते हैं, उसकी कुछ कॉस्ट हम रखेंगे जो बहुत कम कॉस्ट होगी, राइट। ये कोर्स बचाएगा आपके समय को, ट्यूशन पढ़ने की आपको विश्वास के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। यदि आप ट्यूशन भी पढ़ेंगे तो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि कंप्लीट ट्यूटर आपके घर पर रहेगा, एक ट्यूटर जो है वो आपके पास घर पर रहेगा, आप सब कुछ कभी भी देख सकते हो, कभी भी उसके साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मोबाइल पर एप्लीकेबल होगा, आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पर अवेलेबल होगा, आप जैसे चाहे वैसे इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार देखने की जरूर कोशिश करिएगा, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, राइट, आप कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक सर्किल है और इसमें एक दे रखा है कि ए एफ डी और ई, ठीक है, ये एक साइकिल क्वाड्रेंट है। तब आपको बताना है कि ये एक्स एंगल और ये वाई एंगल कितना हुआ, आप कर सकते हो एक बार खुद ट्राई कर लें, है ना, वीडियो रोक कर, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो देखेंगे मैं इसे क्या बता रहा हूँ, ठीक है जी, एक बार कोशिश करिएगा। चलिए साहब अब इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या एप्लीकेबल हुआ जरा देखें, आप कह सकते हो कि इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, ध्यान रखिए, मान लेता हूं ये एंगल आपके पास वन है, राइट। जब ये एंगल वन है तो आप ये कह सकते हो कि एंगल वन प्लस 35 डिग्री प्लस 54 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा, क्यों, ट्राइंगल में तीन एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप इसमें से निकाल सकते हो कि एंगल 1 प्लस इन दोनों को ऐड करिए 9 और ये हो जाएगा 89 इक्वल टू 180। आप ये कह सकते हो कि एंगल 1 कितना हुआ, एंगल होगा 180 माइनस 91 सॉरी 89, तो ये हो जाएगा एंगल 1 जो है 91 डिग्री। आपको ये पता लग गया कि एंगल 1 जो है वो 91 डिग्री है, राइट। अब जरा देखिए एंगल 1 प्लस एंगल एक्स कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल x, ठीक है, कितना होगा 180, क्यों होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटर है, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर के एंगल हैं और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, राइट। आप लिख सकते हो कि यहां पर के ए ए एफ या ए ई डी एफ इज साइक्लिक क्वाड्रेटर, साइक्लिक क्वाड्रेटर कितना लिख सकते हो। आपने एंगल 1 कितना निकाल लिया, एंगल 1 निकाला 91 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, तो एंगल एक्स कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस का 91 कितना हो जाएगा, एंगल एक्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 89 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि एक्स जो है वो 89 डिग्री है, एक्स जो रहेगा, ध्यान रखें एक्स केवल यहां से आता है पूरा नहीं है। अब आपके पास ये पता लग गया कि एक्स एंगल जो कितना है वो 89 डिग्री है, तो आपको बाई बताना है। अब आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल क्या ट्राइंगल लेंगे, ए एफ और सी, इन ट्राइंगल ए एफ सी, राइट। आप कह सकते हो कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई और प्लस 54 इक्वल टू कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब आपको एक्स पता है, एक्स से आपके पास 89 प्लस वाई प्लस 54 इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा। स्टूडेंट आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 143, राइट। प्लस एंगल वाई इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, तो एंगल वाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 माइनस का 143,
180 और 143 माइनस करेंगे 37, ठीक है जी। ये आपके पास एंगल जो वाई है वो कितना आएगा, 37 आएगा। बात समझ आ गई आपके, ठीक है। ये हो जाएगा 13, राइट। तो एंगल वो वाई है वो कितना आएगा, 37 आएगा। बात क्लियर समझ में आ गई, एक्स कैसे निकाला, वाई कैसे निकाला। इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप जरूर करें और इस तरह के क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें। ऐसा करने से विश्वास करिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स होता है हमें बताने से। यदि हम मैथमेटिक्स किसी को बताते हैं तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम बताने वाले की होती है, और जो पूछ रहा है या जिसको हम बता रहे हैं उसको तो फायदा होता ही है ना, है ना। ऐसा जरूर करिए। और हाँ, मैं जो कोर्स आपको बना रहा हूँ उसे आप मेरी वेबसाइट पर जाके एक बार जरूर देखिए। विश्वास करिए, आपको ट्यूशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी और आप अपना समय बचा सकते हो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो, राइट। जरूर देखिएगा, आप इसे कॉपी कर लें।